A very warm welcome to all of you to this CTAT video lecture series, an initiative of Unique Institute of Behavioral Sciences. Series ka aaj last part, that is pedagogical issues related to mathematics, is video lecture mein hum cover karenge. Right, as we all know, mathematics ka total weightage CTAT examination mein 30 marks hai, aur out of that 15 marks ka we have already cover aur 15 marks humko in topics mein cover karna hai. To jo aaj ke jo topics hain hum cover karenge, nature of mathematics, understanding children's thinking and reasoning pattern and strategies of making meaning and learning, place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics kya hota hai, evaluation कैसे करते हैं formal और informal method से, teaching से related क्या क्या problems हो सकती हैं, error analysis, बच्चे का जो repetitive error हो रहे हैं, जो गलतियाँ हो रही है उसको analysis करके, और related aspect of learning and teaching, then finally diagnostic and remedial teaching, वो आज हम cover करने वाले हैं. Right, सबसे पहले समझते हैं हम पेडागोजी क्या है. पेडागोजी को हम शिक्षा शास्त्र हिंदी में और इंग्लिश में, दैट पेडागोजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, कि जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसकी कैसे, उसको जैसे कैसे पढ़ाया जाता है. मैथमेटिक्स पेडागोजी, राइट. पेडागोजी होता है शिक्षा शास्त्र, राइट. या इसको ऐसे समझेंगे कि जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, पढ़ाया कैसे जाता है उसकी स्टडी करना, उसको हम पेडागोजी बोलते हैं. मैथमेटिक्स, एज वी ऑल नो, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स एंड स्पेस, राइट. स्पेस मींस जो ज्योमेट्री वाला है, 2D 3D, राइट. तो दिस इज अ साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस, मैथमेटिक्स पेडागोजी. कि मैथमेटिक्स का जो टीचिंग्स के जो मेथड हैं उसकी स्टडी को हम मैथमेटिक्स पेडागोजी कहते हैं, राइट. नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एज वी ऑल नो, मैथमेटिक्स इट रिलाइज ऑन बोथ लॉजिक और क्रिएटिविटी. लॉजिक, व्हेन इट कम्स टू लॉजिक, राइट, 1 + 1 = 2, दिस इज अ लॉजिक, राइट. और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज यूज्ड एंड अप्लाइड अक्रॉस ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या हमारी डेली लाइफ हो, उसमें मैथमेटिक्स हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, राइट. इट रिलाइज ऑन बोथ लॉजिक एंड क्रिएटिविटी. सो लॉजिक है द एबिलिटी, रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता को लॉजिक कहते हैं, राइट. एंड देन क्रिएटिविटी. तो मैथमेटिक्स ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लॉजिक भी और क्रिएटिविटी भी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस, साइंस ऑफ कैलकुलेशन. बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है मैथमेटिक्स, राइट. इट इज एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ साइंस. मैथमेटिक्स में जो भी हमारे फॉर्मूलेज हैं या डेरिवेशंस हैं, वो एक बार प्रूफ हो जाते हैं तो दे रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस द ग्लोब, राइट. वहाँ पर चेंजेस नहीं होते, राइट. और वो हेल्प करता है हमें कंक्लूजन डिराइव करने में, या इन्फेरेंस, कुछ अनुभव या कुछ जनरलाइज करने में हमारी मदद करते हैं, राइट. देन इट मीन्स टू ड्रॉ जजमेंट एंड कंक्लूजन. इट इज़ अ साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, यूनिवर्सल इन नेचर. जैसे हमने कहा कि अगर हम कहते हैं a + b², ये जो फॉर्मूला है वो अक्रॉस द ग्लोब वो सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा. इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड सिम्बल, राइट. इसकी अपने लैंग्वेज है, अपने सिम्बल हैं, अप्लाइड इन डेली लाइफ. Helps in evaluation and also it is a means, एक माध्यम है generalization, हमको किसी निष्कर्ष पर लाने के लिए या किसी चीज़ को generalize करने के लिए mathematics help करता है.
राइट, मैथमेटिक्स को हम दो भागों में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर मैथमेटिक्स, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में जैसे आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्जांपल, एरिथमेटिक, राइट, देन एलजेब्रा, ये सब जितना भी पार्ट है ये प्योर मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक का पार्ट है। अप्लाइड मैथमेटिक की बात करें तो जैसे स्पेस साइंस, फिजिक्स, राइट, साइकोलॉजी, मींस आप कोई भी रेयरली रेयरली ही को ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा जहां पर मैथमेटिक्स का डोमेन अप्लाई नहीं होता। इवन आप साइकोलॉजी में देखें तो बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे इंटरवेंशन ऐसे होते हैं जो प्योरली मैथमेटिक्स पर बेस्ड होते हैं, राइट। ओके, नाउ प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है कि वो कोर्सेज जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं, राइट। प्लेस, तो उसमें मैथमेटिक्स का प्लेस कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, पूरे स्कूल एजुकेशन में मैथमेटिक्स का प्लेस कहाँ है। इसकी शुरुआत होती है 1968, 1968 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आती है, राइट। उसके बाद ही हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी उसका एक पार्ट था, और सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आया है करिकुलम में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के बाद आया, राइट। उसमें एक कॉमन करिकुलम देखा गया, एक जो कॉमन आप कहेंगे पाठ्यक्रम 1 से और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, राइट, जिसको नेशनल लेवल पर प्रिपेयर किया गया और सब स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, उन्होंने अडॉप्ट किया गया। और इसका उद्देश्य यही था कि ये लोकल नीड्स, लोगों की, बच्चों की जरूरतों को समझते हुए इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। 10+2+3 कंट्री में अडॉप्ट किया गया। 10+2 मीन्स 12 तक और +3 मीन्स कॉलेज की एजुकेशन। वहां पर मैथ्स और साइंस को कंपलसरी बना दिया गया है मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, मिडिल एंड सेकेंडरी मीन्स 6th क्लास से लेकर 10th तक ये मैंडेटरी बना दिया गया है साइंस और मैथमेटिक्स को। आगे एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द मैथमेटिक्स का स्कूल एजुकेशन में क्यों आना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, नीटनेस, बच्चों के अंदर ये डेवलप किया जाए, साथ में उनकी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, उनकी तर्क करने की क्षमता, उनका एनालिटिकल जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको इन्हांस करने के लिए। इसके साथ ही डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा सीखे, इस उद्देश्य के साथ मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया गया है। साथ में ही अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसमें हमको क्या डेटा चाहिए या क्या डेटा नहीं चाहिए, इसके लिए बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना, एक एनालिटिकल माइंड को डेवलप करना, ये इस उद्देश्य के साथ मैथमेटिक्स को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे हम देखते हैं टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, राइट, उनके अंदर एक टू डेवलप देयर साइंटिफिक एटीट्यूड टू एस्टिमेट, फाइंड एंड वेरीफाई रिजल्ट, राइट। मैथमेटिक्स हमारी जो वैज्ञानिक विचारधारा को उसको प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ही विश्लेषण करने की क्षमता, निष्कर्ष निकालने की क्षमता, और टू जनरलाइज फ्रॉम कलेक्टेड डेटा एंड एविडेंसेस, राइट। हमारे पास जो डेटा है, डेटा से सिर्फ वो डेटा ही नहीं रहे, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये विचारधारा मैथ से इनकलकेट होती है, मैथ से आती है, राइट।
टू डिवेलप देयर ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है जो टाइम के साथ साथ अनुभव के साथ साथ और जो क्विक डिसीजन लेने में मदद करता है राइट टू डिस्कवर सॉल्यूशन एंड प्रूफ विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट्स टू डेवलप देयर मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव हमको मैथमेटिकल व्यू दुनिया को मैथमेटिक्स तरीके से हम देखें राइट और हमारी सोसाइटी में या नेचर में हम कैसे मैथमेटिक्स पैटर्न को ढूंढ सकते हैं राइट कैसे इसको यूज करके सोसाइटी को और बेहतर कैसे कर सकते तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स करिकुलम का या पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम्स हेल्प इन स्किल डेवलपमेंट में बच्चों की मदद करता है बैंकिंग में करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड कंप्यूटेशन ये सब इसके अलावा मैथमेटिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं ये कुछ ब्रॉडर एप्लीकेशन थे जो हमने यहाँ डिस्कस किया है NCF और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो सिलेबस कैसा हो हमारा जो बच्चों का टेक्स्ट बुक है या टीचिंग प्रैक्टिस कैसी अडॉप्ट होनी चाहिए उसके लिए दिशा निर्देश या जो गाइडेंस आती है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से आती है ये 2000 में जो अभी हम यूज़ करते हैं वो 2005 में रिलीज हुआ था और ये ऐसा चौथा करिकुलम फ्रेमवर्क था जो NCERT राइट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नेशनल NCERT ने ये रिलीज किया था 2005 में राइट NCF के अकॉर्डिंग मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल इज द मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थिंकिंग राइट जब हम मैथमेटाइजेशन की बात करते हैं तो इट इज वेरी ऑब्वियस और बहुत प्राकृतिक होगा कि बच्चे की जो सोच होगी वो बहुत ही लॉजिकल होगा और बहुत ही रैशनल होगा राइट तो इस उद्देश्य के साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने मैथमेटिक्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और जब हम मैथमेटाइजेशन की बात करें कि स्कूल एजुकेशन का मैथमेटाइजेशन मेन उद्देश्य है NCF का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का तो इससे संबंधित हम कुछ बिंदु हैं कुछ पॉइंट्स हैं इसमें NCF का उद्देश्य ये रहेगा कि जो बच्चा है वो मैथमेटिक्स को एंजॉय करे रेदर देन कि उससे डरे चिल्ड्रन एक्चुअल में जो इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स है उसको समझे उसको जाने बजाय कि उसको ऐसा समझना कि सिर्फ ये फॉर्मूले भरे हैं या एक कोई मैकेनिकल प्रोसेस है ऐसा ना समझे बल्कि उसको मैथमेटिक्स को समझे चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू टॉक अबाउट NCF का जो अगला ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे हैं जो वो मैथमेटिक्स से कम्युनिकेट करें उसको डिस्कस करें एक दूसरे से चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं उनको मैथमेटिक्स रिलेटेड जो और प्रॉब्लम है उनको समझे भी उनको पोज करें और उनको सॉल्व करें देन नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन यूज एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन मीन्स टू ट्राई टू फ्रेम सम आइडिया कुछ आइडिया बनाना टू परसीव रिलेशनशिप टू सी स्ट्रक्चर टू रीजन आउट थिंग्स टू आर्ग्यू द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट है ये उसको लॉजिकली पुट करना ये सब मैथमेटिक्स से होता है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स राइट तो जो बेसिक मैथमेटिक्स है अगर उसको हम समझते हैं तो वो बेसिकली हमको मेथड्स प्रोवाइड करते हैं कि हम कुछ आइडिया को फ्रेम कर सके उसको स्ट्रक्चर में ला सके और उससे कुछ इन्फरेंस या जनरलाइजेशन करें
Then next point, teachers are expected to engage every child in class with conviction that everyone can learn from mathematics. Again, कि वही है कि बच्चे मैथमेटिक्स से डरे नहीं बल्कि उसको अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करके हम कैसे और उसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सोसाइटी के लिए. एनसीएफ के कुछ रिकमेंडेशन हैं कि जो जो उसने एनविजन किया है, जो जो उसने ऑब्जेक्टिव देखे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने क्या क्या रिकमेंड किया है एनसीएफ ने. शिफ्टिंग द फोकस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन फ्रॉम अचीविंग नैरो गोल्स ऑफ मैथमेटिकल कंटेंट टू हायर गोल्स, क्रिएटिंग मैथमेटिकल लर्निंग एनवायरमेंट. तो बच्चों को एक नया मैथमेटिकल लर्निंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, राइट, बजाय कि नैरो गोल्स. नैरो गोल्स यहाँ पर क्या है कि सिर्फ मैथमेटिकल कंटेंट भर देना किताबों में, ये गोल नहीं है एनसीएफ का, बल्कि एक मैथमेटिकल लर्निंग एनवायरमेंट बच्चे के लिए प्रोवाइड करना. दूसरा है एंगेजिंग एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट एंगेज हो विद द सेंस ऑफ सक्सेस, डर के साथ नहीं, सक्सेस के सेंस के साथ, व्हाइल एट द सेम टाइम ऑफरिंग कॉन्सेप्चुअल चैलेंज टू द इमर्जिंग मैथमेटिशियंस, राइट. जो भी चैलेंजेस हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड उनको भी डील करें और हर बच्चे के अंदर ऐसा सेंस हो कि हाँ आई कैन डू इट, वो मैथमेटिक्स है इसलिए डरना नहीं कि आई कैन डू इट. यस. देन थर्ड पॉइंट इज चेंजिंग मोड्स ऑफ असेसमेंट टू एग्जामिन स्टूडेंट्स मैथमेटाइजेशन एबिलिटी रेदर देन प्रोसीजरल नॉलेज. प्रोसीजरल नॉलेज मीन्स जो कन्वेंशनल नॉलेज होता है, जो हम बच्चे की जो नॉलेज होती है उसको हम मार्क्स के थ्रू जज करते हैं, राइट. हमने मार्क्स दे दिए तो और उसके साथ ही मार्क्स के साथ ही हम एक जजमेंट कर लेते हैं कि ये अच्छा है ये नहीं है. तो उसने एनसीएफ ने एक रिकमेंड किया है कि हमको असेसमेंट का जो तरीका है उसको चेंज करना होगा, राइट. किस संदर्भ में, किस पर्सपेक्टिव में, कि जो स्टूडेंट की है उसकी मैथमेटाइजेशन एबिलिटी, कि वो मैथमेटिक्स को कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, कैसे समझ सकता है, हमको ये तरीका बदलना होगा, राइट. इसके अलावा एनसीएफ का फोर्थ रिकमेंडेशन, एनरिचिंग टीचर्स विद अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेज, ये टीचर्स के लिए है. टीचर्स को नए मैथमेटिकल रिसोर्स के साथ उनको एनरिच करना, उनको और जैसे वर्कशॉप वगैरह या कोई और जर्नल्स हो गए, नए पेपर हो गए, उनको तरीका, नया तरीका कैसे मैथमेटिक्स को कैसे बच्चों के साथ इम्पार्ट करें, राइट. ये सब रिकमेंड किए हैं एनसीएफ ने. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स की लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जो हर कोई समझता है, हर कोई जानता है, राइट, अक्रॉस द ग्लोब, राइट. 2+2=4 इंडिया में, 2+2=4 यूएस में, 2+2=4 अफ्रीका में, 2+2=4. तो मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज रहता है वो यूनिवर्सल है. द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज द सिस्टम यूज बाय मैथमेटिशियंस टू कम्युनिकेट मैथमेटिकल आइडिया अमंग देमसेल्फ, राइट. तो मैथमेटिक जो ऐसा लैंग्वेज है वो हर कोई समझ सकता है, अगर जिसको मैथ्स का बेसिक पता है वो समझ सकता है. दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सम नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, यूजिंग टेक्निकल टर्म्स एंड ग्रामेटिकल कन्वेंशंस दैट आर पिक्यूलियर टू मैथमेटिकल डिस्कोर्स सप्लीमेंटेड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड सिंबॉलिक नोटेशन फॉर मैथमेटिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में जैसे पाई यूज करते हैं, फैक्टर, मल्टीपल, राइट, पावर, ये सारी वोकैबुलरी मैथमेटिक्स यूज करता है. इसके साथ साथ कुछ सिंबल्स जैसे अगेन पाई, रूट, देन वी हैव ग्रेटर देन, लेस देन, फ्रैक्शन, ये सारा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का पार्ट है. Then mathematics is itself a language with own symbol. इसके अपने symbol हैं, अपने words हैं, अपने rules of syntax. Syntax means grammar. उसका अपना एक grammar है.
अ मैथमेटिकल इक्वेशन मे बी स्टेटेड इन वर्ड्स, हम इसको वर्ड में भी स्टेट कर सकते हैं. जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है 3 + 5 = 8, हम इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, 3 added to 5 = 8, राइट. सो दिस इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, ब्रेकिंग दिस डाउन, नाउन्स इन मैथ्स इंक्लूड, मैथ्स में नाउन्स जैसे अरेबिक न्यूमेरल्स, जो नंबर हम यूज करते हैं वो अरेबिक न्यूमेरल्स हैं. इसके अलावा फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिखते हैं, इट्स अ फ्रैक्शन. देन वेरिएबल, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से या अदर देन दैट हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पर 3x, x² 4+x, दिस अ पार्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन. देन डायग्राम्स और विजुअल एलिमेंट्स, इसमें हमने जो 2D फिगर्स हैं या 3D फिगर्स हैं, सर्कल, एंगल, ट्राइंगल, टेंसर, मैट्रिक्स. देन इन्फिनिटी, पाई, देन इमेजिनरी नंबर्स, आयोटा, माइनस आयोटा, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ नाउन्स इन मैथ्स. वर्ब की बात करें तो इसमें इक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, उसके सिंबल्स हैं इक्वल, लेस देन, इक्वल टू. इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, जितने भी ये ऑपरेशन हैं ये पार्ट ऑफ वर्ब, राइट. अदर ऑपरेशन जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, दिस ऑल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द वर्ब्स इन मैथमेटिक्स. द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड इन एन एफिशियंट वे थ्रू द कम्युनिकेशन इन द कम्युनिटी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट. जैसे एक क्लासरूम का हम सिनेरियो लेते हैं, तो उसमें टीचर्स स्टूडेंट के साथ बात करते हैं, राइट. मैथमेटिकल टर्म्स यूज करते हैं जिसको बच्चे टीचर समझते हैं, राइट. देन अ पर्टिकुलर क्लास आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप एंड देन अलाउड टू क्रिएट डिफरेंट सॉल्यूशन टू अ लेसन प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट देयर सॉल्यूशन टू देयर क्लासमेट. तो ये दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. देन देयर इज अ थर्ड पॉइंट कि स्टूडेंट्स को हम पूछ सकते हैं और या डिस्कस कर सकते हैं कि उनका मैथमेटिकल थिंकिंग कैसा है, कुछ क्वेश्चन पुट अप करके. सो दिस ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिटी मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का कम्युनिटी में क्या रोल है. मैथमेटिक्स हेल्प्स इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर्स. एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैथमेटिकल सोशियोलॉजी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मैथमेटिक्स को यूज़ करके जो सोशल थ्योरीज हैं उनको बनाना, या सोसाइटी में जो चैलेंजेस हैं या जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैथमेटिक्स से. तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन सोसाइटी. अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक रूरल ऑर्गेनाइजेशन या अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्डिंग प्लानिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह कैसा रहेगा, हर एप्लीकेशन के पीछे मैथमेटिक्स का यूज रहता है. देन इट हेल्प्स नॉट ओनली इन फॉर्मेशन ऑफ लॉज. मैथमेटिक्स से हम जैसे प्रोबेबिलिटीज हो गई, या पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जिससे हम बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको समझ सकते हैं, और उनके बेसिस पे जो प्रोबेबिलिटी है उससे जो कंक्लूजन आया है उसके बेसिस पे हम कुछ लॉ बना सकते हैं, और न सिर्फ लॉ बना सकते हैं बट उनका जो कंप्लायंस उसको मनवा भी सकते हैं, राइट. जो एनफोर्सिंग एजेंसी है उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं. द वर्ड ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज, कमर्शियल ट्रेड, बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स. तो ये जितना भी है कॉमर्स ट्रेड, उसमें बहुत बड़ा पार्ट मैथमेटिक्स है. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन
and so many scientific invention and discovery that have knitted the world into a family owe their existence to mathematics. तो सबसे बड़ा इसमें हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जो आप जिस कंप्यूटर के थ्रू या जिस ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू आप और हम बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स है, राइट. द स्टूडेंट शुड बी एक्सप्लेन द यूटिलिटेरियन एंड कल्चरल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल लाइफ. यूटिलिटेरियन होता है कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट करना, राइट. तो मैथमेटिक्स की जो जो मेन एप्लीकेबिलिटी है, कल्चरल वैल्यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, कि हाउ दिस कैन बेनिफिट टू द सोसाइटी, ये स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, समझना चाहिए. ये दिस इज ऑल पार्ट्स ऑफ कम्युनिटी मैथमेटिक्स. नेक्स्ट टॉपिक, मैथमेटिकल इवैल्यूएशन. मैथमेटिकल इवैल्यूएशन को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, फॉर्मल इवैल्यूएशन, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन. एज द नेम सजेस्ट, फॉर्मल होता है जो वेल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इवैल्यूएशन का जो तरीका है, जैसे हम एनुअल रिव्यू पर्पस के लिए या प्रोफेशनल एडवांसमेंट पर्पस के लिए, या एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्कूल में जो हमारा एग्जाम होता है, राइट. वो हमें अगर पास होते हैं तो वो हमको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं. तो इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मल इवैल्यूएशन. इनफॉर्मल इवैल्यूएशन, इट इज डन क्विकली एंड द इंफॉर्मेशन यू गैदर इज फॉर यूर यूज ओनली. फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर आपको कहता है दैट यू शुड वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको पर्सनली आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, तो दैट वुड बिकम पार्ट ऑफ दिस इनफॉर्मल इवैल्यूएशन. ये आपके लिए ही है और कोई, इट इज नॉट मेकिंग पार्ट ऑफ फॉर्मल इवैल्यूएशन का पार्ट नहीं, वो एडवाइस आपके लिए ही रहेगी, राइट. फर्दर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है वो इज अ पार्ट ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. यानी वो आपकी जो प्रायर नॉलेज है उसको टेस्ट कर रहा है बिफोर टीचिंग अ न्यू यूनिट, या जो जिस कोर्स में आप एनरोल होने के लिए जा रहे हैं उस लेवल के लिए आपकी तैयारी है या नहीं है, उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं. देन कम्स द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ये जो आपका जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है. जैसे फॉर एग्जांपल, स्कूल्स में जैसे मंडे टेस्ट होता है, तो वो आपका वीकली आपकी जो लर्निंग है उसको इवैल्यूएट करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है. देन कम द समेटिव इवैल्यूएशन. ये किसी ईयर के एंड में या कोई भी कोर्स है जब वो ओवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड में जो इवैल्यूएशन होता है, इट इज पार्ट ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन. Right. It helps you to grade your students to provide data for school record as well as reporting to parents. Okay. Then finally, continuous and comprehensive evaluation. ये student का जो regular assessment होता है उसको evaluate करने के लिए comprehensive और overall, not only the curricular activities but जो extra curricular activities भी हैं उनको भी इवैल्यूएट करने के लिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यूज किया जाता है. मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, इफ वी सी, तो इसको बाइफर्केट करते हैं हम टेस्टिंग टेक्निक्स में. टेस्टिंग टेक्निक में हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, राइट. देन यूनिट टेस्ट. नॉन टेस्टिंग टेक्निक में हमारे पास रेटिंग स्केल, कि हम उसको ग्रेड दे सकते हैं, या हमारे पास कोई रेटिंग हो जो हम स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं. देन चेकलिस्ट, एंड थर्ड इज ऑब्जर्वेशन. दिस थ्री फॉर्म पार्ट ऑफ नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, और दिस टू फॉर्म पार्ट ऑफ टेस्टिंग टेक्निक. प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग्स, पर्टिकुलरली मैथ्स से रिलेटेड,
क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑफ फेयर और फेलियर रिगार्डिंग मैथमेटिक्स अमंग मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, मैथ्स को लेके एक बहुत बड़ा डर रहता है। दूसरा है अ करिकुलम दैट डिसअपॉइंट्स बोथ टैलेंटेड माइनॉरिटी एज वेल एज नॉन पार्टिसिपेटिंग मेजॉरिटी एट द सेम टाइम। यहाँ पर टैलेंटेड माइनॉरिटी का मतलब वो एक छोटा सा पोर्शन, अगर हम एक क्लासरूम का सिनेरियो लेते हैं तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं तो उनको हम उनको माइनॉरिटी में इंक्लूड कर रहे हैं। माइनॉरिटी लिटरल माइनॉरिटी नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शन कम है टैलेंटेड बच्चों का, वो उनको भी डिसअपॉइंट करता है क्योंकि जो करिकुलम का पार्ट है वो एवरेज के हिसाब से बनाया होता है। उसके साथ ही जो नॉन पार्टिसिपेटिंग मेजॉरिटी है, जो बाकी बच्चे हैं एवरेज बच्चे हैं, उनको भी ये डिसअपॉइंट करता है, अगेन वही फियर ऑफ मैथमेटिक्स। नाउ थर्ड इज क्रूड मैथमेटिक्स ऑफ असेसमेंट दैट एनकरेज परसेप्शन ऑफ मैथमेटिक्स एज अ मैकेनिकल कॉम्प्यूटेशन। यहाँ पे जो असेसमेंट का तरीका है NCF ने रिकमेंड किया था कि हमको उसको चेंज करना चाहिए, उसको और बेहतर बनाना चाहिए, कोई कन्वेंशनल तरीका नहीं रहना चाहिए पर्टिकुलरली मैथ्स से रिलेटेड इवेल्युएट करने का। देन लैक ऑफ टीचर प्रिपरेशन एंड सपोर्ट इन द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन यहाँ पर टीचर एजुकेशन का रोल है और लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण मैथमेटिक्स को सपोर्ट नहीं मिल पाता और एंगेजिंग नहीं हो पाती, क्लास रूम का जो एक्सपीरियंस होता है वो एंगेजिंग नहीं हो पाता। फिफ्थ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन दैट गेट रिफ्लेक्टेड, सो ये जो सोशल स्टीरियोटाइपिंग है ये नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ। नाउ एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, द पर्पस of error analysis are to identify patterns of error or mistake that student make in their work. जो बच्चा अगर किस टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं, we are talking about mathematics, understand why students make the error और वो error क्यों कर रहा है, provide targeted instruction to correct the error. Now, error in mathematics can be factual, procedural or conceptual and may occur for a number of reasons, right? तीन टाइप के हैं, एक factual error जो fact से related हो, procedural आप कोई भी sum अगर आप कर रहे हैं उस procedure में कोई दिक्कत है, procedural error, then conceptual error, या आप concept समझे नहीं है वो conceptual error है। नाउ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का कि लर्निंग प्रॉब्लम में उसको डिटरमाइन करना कि प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए एक रेमेडियल प्लान, रेमेडियल एक्शन प्लान आउट करना। द एसेंशियल स्टेप्स इन एजुकेशन डायग्नोसिस आर आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु आर हैविंग ट्रबल और नीड हेल्प, कि कौन से स्टूडेंट्स को ट्रबल हो रहा है किसी प्रॉब्लम को, वो जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो कौन से स्टूडेंट्स को हो रहा है। देन लोकेटिंग द एरर्स, उन एरर को हाईलाइट करना और लर्निंग डिफिकल्टी, वो कौन सी अगेन फैक्चुअल एरर है या प्रोसीजरल है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, उस डिफिकल्टी को, उस प्रॉब्लम को लोकेट करना। एंड थर्ड इज डिस्कवरिंग द कॉजल फैक्टर, उसके रीजन क्या है ऑफ स्लो लर्निंग, राइट, जो स्लो लर्निंग है उसके रीजन क्या है, कारण क्या है मेन। ओके, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल डायग्नोसिस, राइट, रेमेडी होता है समाधान, तो यानी जो भी हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन द एजुकेशनल डायग्नोसिस, जो भी हमने डायग्नोस किया है, जो भी प्रॉब्लम है, जो हम लोकेट किया है प्रॉब्लम, कौन से बच्चे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है प्रॉब्लम का, उसके बेसिस पे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स इज द मेन पर्पस ऑफ रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन का मेन काम क्या है कि जो भी डिफिकल्टी आ रही है उसको ओवरकम करना, उसको उसका समाधान करना, राइट, और
एक्विजिशन, स्किल्स को एक्वायर करना इज द मेन रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, इज द मेन पर्पस ऑफ रेमेडियल इंस्ट्रक्शन. थर्ड, इट इज नॉट ओनली यूजफुल टू क्योर द शॉर्ट कमिंग्स बट ऑल्सो इन द प्रिवेंटिव मेजर. ना सिर्फ रेमेडियल टीचिंग से आप उस प्रॉब्लम को का समाधान ढूंढ रहे हैं, बल्कि आगे ऐसा ना हो, प्रिवेंशन भी इस रेमेडियल टीचिंग का एक पार्ट है. इट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट. अगेन, हमारे पास ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टर्म है, जो डिपेंड करता है कि जो भी डायग्नोस हुआ है उसके बेसिस पे ये दिया जाता है. तो दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म बट अ शॉर्ट टर्म. नाउ दिस रेमेडियल टीचिंग, इट हेल्प्स द बिलो एवरेज स्टूडेंट टू बी विद इन एक्वायरिंग कॉमन लेवल ऑफ अचीवमेंट. अगेन, वी टेक अ सिनेरियो ऑफ अ क्लासरूम जहाँ पर टैलेंटेड बच्चे भी हैं, एवरेज बच्चे भी हैं और मार्जिनल बच्चे भी हैं, राइट. जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए हम रेमेडियल टीचिंग ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, जो उनको हेल्प करेगा, विल हेल्प देम टू कोप अप विद एक्वायरिंग कॉमन लेवल ऑफ अचीवमेंट विद अदर स्टूडेंट्स. नाउ टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग, क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं? ओरल वर्क, ड्रिल वर्क, आप कोई वर्कशॉप या कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं, होमवर्क, असाइनमेंट, रिटर्न वर्क, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी के लिए सुपरवाइज स्टडी, रिव्यू और ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी दे सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं. ओके, विद दैट वी आर डन विद आवर पेडागॉजिकल पार्ट इन मैथमेटिक्स. आई होप you would have enjoyed this. Thank you so much.